हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम लोग ये वाला जो लेआउट है वो बनाएंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले है ना, हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम समझ लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं 12 कॉलम रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम के, तो आपको ये वाला वीडियो समझ में इजीली आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो सारे वीडियोस देखिए, फिर आप यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए 12 कॉलम के रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम जो चीजें हम लोगों ने बनाई थी पहले, देखिए पहले तो ये 12 कॉलम के हम लोग ने बनाया इसको। इसके बाद उसको रिस्पॉन्सिव बनाया, इसके बाद मीडिया क्वेरीज अप्लाई की है, जो भी जो है मिनिमम विड्थ मीडिया क्वेरीज। देखिए मिनिमम विड्थ मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये ग्रिड सिस्टम बनाई है। और यहाँ पर जो है ये ब्रेक पॉइंट्स है, जो ब्रेक पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से क्लास नेम दिए हुए हैं कॉलम्स को। तो 0 से लेके ऊपर तक जो भी ब्रेक पॉइंट्स है उनके क्लास के नाम जो है वो col-1 से col-12 तक हम लोगों ने दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 576 से आगे अगर हमें कुछ अप्लाई करना है तो हम यूज करेंगे col-sm से, col-sm वाले क्लास, मतलब col-sm-1 से लेके 12 तक। इसके बाद वैसे ही MD LG XL और XXL, अगर आप MD का लगाते हो तो 768 के आगे वो काम करेगा, LG 992 के आगे काम करेगा, XL 1200 के आगे और XXL 1400 के आगे। तो इस तरह कुछ हम लोगों ने क्लासेस अप्लाई किए हैं हमारे ग्रिड सिस्टम के लिए, कॉलम की क्लासेस, और वो हिसाब से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद गटर स्पेस जो हम लोगों ने देखा, कॉलम्स को हम लोगों ने स्पेसिंग दी थी राइट और लेफ्ट में 1 rem, प्रॉपर फिट होने के लिए कॉलम्स बराबर दिखने चाहिए, फिट होने चाहिए इस वजह से। उसके बाद हम लोगों ने ये कंटेनर्स बनाए थे, वो भी हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव बनाए हैं। और उसके बाद देखिए यूटिलिटीज के क्लासेस हम लोग ने हमारे लिए बना के रखे हैं, जैसे मार्जिन पैडिंग वगैरह क्लासेस जो यूज होते हैं वो हम लोगों ने सीखा है। इसके बाद ऑफसेट, देखिए ऑफसेट के भी क्लासेस मैंने आपको बताए कि ऑफसेट कैसे काम करता है, और ऑर्डर्स भी मैंने आपको बताया, पुश एंड पुल क्लासेस किस तरह काम करते हैं, और रियूजेबल दो प्रॉपर्टीज के साथ, देखिए रियूजेबल इसको भी रिस्पॉन्सिव क्लास में कन्वर्ट किया हम लोगों ने। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो तक सब कुछ खत्म किया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे जो भी अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है। ओके, तो यहाँ पर चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। और ग्रिड सिस्टम समझने के लिए मैं पहले आपको समझाना पड़ेगा कि ग्रिड सिस्टम करती क्या है, कैसे काम करती है। हालांकि मैंने एक एक वीडियो में सब कुछ आपको बताया है, फिर भी मैं यहाँ पर फिर एक बार थोड़ा सा हम लोग ग्रिड सिस्टम देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, आपको वेब स्ट्रक्चर बनाना कैसे, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए चीजें काम कैसे कर रही है। तो अभी आप CSS में जाने की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंपली आपको HTML से दिखा दूंगा। ओके, अगर CSS में जो भी पार्ट था, मतलब जो भी रिलेटेड टॉपिक्स थे जो अभी मैंने आपको बताए A1 से लेके 9 तक, वो हम लोगों ने CSS में ऑलरेडी मैंने दिखाया है आपको, CSS में हम लोग कैसे डालते हैं, और उसका उसका ब्राउजर में भी मैंने आपको डेमो दिखाया था हर एक वीडियो में। अगर वो आपने वीडियोज मिस किए हैं तो पहले वो वाले वीडियोज, मेरे पहले वाले वीडियोज देख लीजिए 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम के, तभी आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं HTML हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ओके, तो पहले देखिए हम लोगों ने दो कंटेनर्स बनाए थे, पहली चीज। तो कंटेनर जो है ना, तो यहाँ पर जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, मान लो देखिए यहाँ पर आपके पास ये हेडर है, तो ये हेडर जो है ना ब्लैक कलर में, तो हेडर के लिए हमेशा देखिए हम लोग जब भी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हर एक सेक्शन बनाते हैं, जैसे हेडर है तो हेडर का सेक्शन बनाते हैं, फिर बैनर वाला है तो बैनर का सेक्शन अलग से बनाते हैं, इसके ऊपर अगर नेविगेशन है तो नेविगेशन अलग से है तो अलग से सेक्शन बनाते हैं। तो अभी हमारे केस में देखिए अलग से, ये अलग से ही है ना, लेफ्ट से लेके राइट तक। तो इसके बाद देखिए ये पूरा पिंक कलर का जो कॉलम है इतना बड़ा, वो भी अलग से है, ये कंटेंट वाला कॉलम है हमारा, तो इसके लिए भी मैं अलग से सेक्शन बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए फुटर है, तो फुटर भी अलग से सेक्शन बनेगा। तो इस तरह हम वेब स्ट्रक्चर बनाते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार की कंटेनर्स है। अभी यहाँ पर जो है ना आपको दिख रहा है, ये फुल विड्थ दिखाई दे रहा है आपको, फुल विड्थ का मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक बॉडी में देखिए टच हो रहा है। यहाँ पर कंटेनर्स मैंने डाल के रखा नहीं है, मतलब जो भी डिजाइन आपको दिख रहा है वो कंटेनर नहीं है, मतलब
कंटेनर, मेरे कहने का मतलब ये है कि फिक्स विड्थ सेंटर में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, जो भी है लेफ्ट और राइट में फिट हो जा रहा है, मतलब ये 100% है, मतलब ही फुल विड्थ जैसा काम कर रहा है। तो हमें ये कंटेनर यूज करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम लोग जो कंटेनर डालते हैं वो क्यों डालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पहले कंटेनर आपको डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले कंटेनर डाल रहा हूँ, और हमेशा देखिए ग्रिड सिस्टम है, इसीलिए जब भी आप कंटेनर डालोगे तो इसके बाद आपको रो डालना ही है, ठीक है, अगर अंदर आपको कॉलम्स डालने हैं तो। ये बात पहले ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या कि एक कॉलम आ जाए, देखिए ये जो ब्लैक कलर है ना, तो यहाँ पर मैं फुल विड्थ वाला कॉलम डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रो डाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं हमें एक कॉलम डालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं मोबाइल से लेके आगे तक, देखिए आपको सोचना कैसे है, आप मिनिमम विड्थ वाली मीडिया क्वेरी यूज कर रहे हो, और मिनिमम विड्थ वाली मीडिया क्वेरी यूज करके ये ग्रिड सिस्टम बनाई गई है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप HTML सोचोगे, जब आप लिखने जा रहे हो ना HTML, तो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि मोबाइल के लिए मैं पहले लिखूंगा। तो हमें पता है, देखिए यहीं पर मैंने डिस्कस किया था, अभी क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर देखिए ब्रेक पॉइंट जो है हम लोगों ने यहाँ पर कॉल हाइफिन वन से लेके कॉल हाइफिन 12, ये मोबाइल के क्लासेस है। तो ये मोबाइल के क्लासेस अगर आपने ये ऐसा कुछ लगा दिया ना, तो ये मोबाइल से अप्लाई होंगे, तो ये पहली चीज ध्यान में रखिएगा। तो अभी आपको यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मोबाइल में मुझे सब कुछ 100% रखना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉल SM से स्टार्ट करूंगा, कॉल हाइफन नंबर से नहीं स्टार्ट करूंगा। मैं क्या स्टार्ट करूंगा, कॉल SM, और फिर आपको जो नंबर देना है या आप जो आपकी मर्जी है जो देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो ये क्या होता है, कॉल SM1 से लेके यहाँ पर देखिए कॉल SM-12, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मतलब ये क्या, ये जो कॉलम्स है ना, ये 576 से आगे काम करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपको समझ में, मैं जो दिखा रहा हूँ ना। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कॉल हाइफन SM-12 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, कॉल हाइफन SM-12, ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मोबाइल जो है मेरा वो ऑटोमेटिकली 100% हो जाना चाहिए, इसीलिए मैंने SM लिखा। अभी SM लिखा मतलब ही ये 576 के आगे तक अप्लाई होगा, मतलब इसकी जो विड्थ आपने लगाई दी है ना, तो 12 मतलब क्या है, 12 मतलब आपने 100% लगा दी है, ठीक है। 12 कॉलम की ग्रिड सिस्टम है, तो 12 कॉलम, 12वां कॉलम जो है वो 100% ही होगा। तो ये 100% फिट कर रहा है, और लेकिन ये कहाँ से कर रहा है, 576 से कर रहा है, ये पहली चीज ध्यान में रखिए। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करता हूँ, इसमें जाना है, और यहाँ पर मैं 576 लगाता हूँ, ओके। और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं फिलहाल, मैं देखिए हमारे पास हेडर है ना, तो हेडर में यही लिख देता हूँ, क्या है, किशोरी ट्यूटोरियल, तो चलिए H1 लिख देते हैं, मैं H1 लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा किशोरी ट्यूटोरियल, सेव किया मैंने। अब यहाँ पर मैं देखिए सेव करने के बाद मैं फिर से इंस्पेक्ट करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 576 से शुरू हो रहा है, देखिए SM12। अब जैसे मैं SM12 पे जो क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मिनिमम वेट 576 दिखाई दे रहा है, मतलब ये 576 के आगे जो है इसकी विड्थ अप्लाई कर दे रहा है। अभी समझ में आ रही है बात, अगर ये देखिए यहाँ पर आप 1 से 12 कोई भी नंबर लगा सकते हो, लेकिन मुझे फुल विड्थ चाहिए, इसके लिए मैंने 12 लगा दिया। अगर 6 लगाओगे तो 6 की विड्थ अप्लाई होगी, और कुछ नहीं होगा, सिंपल सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर देखिए कॉल SM6 लगा दिया अभी मैंने, तो अभी देखिए 50% लग रहा है यहाँ पर, देखिए फिर से, लेकिन मिनिमम विड्थ जो है वो 576 के आगे ही लग रही है। अगर मैं इसके नीचे आता हूँ, ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ 575 पे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा कुछ, मतलब फिर से मैं SM6 पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए SM6 का क्लास ही नहीं मिलेगा उसको, ठीक है ना, इसके नीचे, किसके नीचे, 576 के नीचे। तो यही लॉजिक हम लोगों ने ग्रिड सिस्टम में लगाया हुआ है, इस वजह से आपका जो ये दिख रहा है ना, ये डिव जो है देखिए ऑटोमेटिकली 100% हो जाता है। अभी ऑटोमेटिकली 100% कैसे होता है, ये देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है उसकी यूजर मतलब ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई होती है, डिस्प्ले ब्लॉक वाली, समझ में आ रही है बात। तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है उसके लिए, तो ये पहली चीज ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर आपको मोबाइल में 6 और 6 2 कॉलम चाहिए, तो आपको SM निकाल के सिर्फ कॉलम -6 लगाना है। यहाँ पर देखिए
अभी देखिए आपकी ये जो विड्थ है ना ये अप्लाई हो जाएगी। अब ये कॉल 6 विड्थ अप्लाई क्यों हो रही है, बिकॉज ये जो है आपके मोबाइल से शुरू हो रही है। यहाँ पर देखिए ग्रिड CSS 169, मतलब ये मीडिया क्वेरी में नहीं है, ये हम लोगों ने मीडिया क्वेरी के ऊपर लिखा था, मतलब ही मोबाइल के लिए लिखा है। अभी बात समझ में आ रही है, अगर आपने यहाँ पर दो कॉलम 6 डाल दी, कॉल हाइफन 6 कॉल हाइफन 6, तो ये मोबाइल से आपके बाजू बाजू में कॉलम्स दिखाई देंगे। अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट के लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे और ये हटा देते हैं। सेव किया मैंने, अब देखिए मोबाइल में आपके 6 6 दिखाई देंगे, मतलब मोबाइल में मेरा कहने का मतलब है 576 के नीचे जो है ना ये आपको दो दो कॉलम में ही दिखेंगे, क्योंकि आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हो, ये पहली चीज ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यही आपको समझना है। अगर आपको देखिए CSS में जो भी अभी तक आपने सीखा, अगर आपको नहीं भी समझा है ना तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर समझना है जो अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप समझ गए तो आप समझ गए ग्रिड सिस्टम क्या है। ओके, तो कॉल हाइफन, जैसे कि मैंने फिर से बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि मैंने कहा आपको कॉल हाइफन 1 से लेके कॉल हाइफन 12 तक जो है ये सारे क्लास नेम जो है ना ये 0 से लेके 576 नहीं, ये 0 से लेके आगे तक अप्लाई होंगे। लेकिन कब, जब तक आपने इसके आगे और कुछ लिखा नहीं है, मतलब मान लो आपने यहाँ पर SM लिख दिया और इसको 12 लिख दिया, तो ये जो क्लास है ना ये क्लास इसको ओवरराइट कर देगा कॉल हाइफन 6 को, और कॉल आईसीएम सॉरी कॉल SM12 जो है ना वो अप्लाई कर देगा, मतलब कॉल SM12 की विड्थ जो है वो अप्लाई कर देगा। तो ये पहली चीज ध्यान में रखनी है। तो जब भी आप कॉलम में काम कर रहे हो ना तो हमेशा ध्यान में रखिए ग्रिड सिस्टम में, तो कॉलम हाइफन 6 लिख दिया, फिर मैंने SM जो है, SM का मतलब यहाँ पर क्या होता है मैं पहले फिर से बताता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने लिखा कॉल हाइफन 6 का मतलब ये शुरू होता है मोबाइल से, ठीक है, मोबाइल टू अप होता है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर कॉलम SM12 लिख रहे हो, बराबर है, तो ये मोबाइल से अप नहीं होगा, तो ये करेगा क्या, ये छोड़ देगा, ये मोबाइल तक ही रहेगा, मतलब कॉल हाइफन 6 जो है ये आपका सिर्फ 576 तक ही दिखाई देगा, मतलब 575 तक ही दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो है ना ये क्लास अप्लाई शुरू करेगा, अप्लाई करना, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर कॉल SM12 के लिए क्या होगा, 576 से लेके अप हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया ये कॉलम्स कैसे काम करते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गए ना तो आपको बूटस्ट्रैप सच में कहता हूँ बहुत इजी है, तो आपको आराम से सीख जाओगे बूटस्ट्रैप, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप ही है, ऐसा समझ लो। ठीक है, सेम ग्रिड है, सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम है, इसीलिए अभी जो जो अभी से हम लोग अगर ये सीख रहे हैं ना तो आपके लिए बेनिफिट है। तो चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं। देखिए कॉल हाइफन 6 लगा दिया, मतलब ही यहाँ पर देखिए 0 से 575 हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर SM लगाया है और SM बोलता है 576 से ऊपर तक यही क्लास अप्लाई करेगा। इतना समझ में आ गया। अभी मान लो आपने फिर से क्लास अप्लाई किया, जो मेरा दूसरा और एक ब्रेक पॉइंट है MD वाला, मान लो आपने MD को लिख दिया, 3 3 लिख दिया आपने MD में, तो फिर ये जो दूसरा वाले को आपने मतलब ये कॉलम SM12 जो है 576 से अप हो रहा था वो अब अप नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा, 5767 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये सेकेंड वाले की करंट सिचुएशन में हो जाएगा, मतलब कॉल SM12 जो है कैसे काम करेगा, अभी 576 से 767 तक ही यहाँ पर 12 नंबर की विड्थ अप्लाई करेगा, उसके बाद 768 से कॉल MD3 की विड्थ अप्लाई करना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर देखिए MD के लिए मैं लिख रहा हूँ अभी 768 से अप हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों, फिर से MD के आगे कुछ नहीं है इसके लिए अप बोल रहा हूँ मैं, अभी बात समझ में आ रही है। अब फिर से मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया LG के लिए, ठीक है, LG में मुझे चाहिए दो कॉलम, तो दो नंबर की विड्थ लगेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से 991 हो जाएगा। ओके, तो LG के लिए अभी मैं बताता हूँ, तो LG के लिए क्या होगा, देखिए 992 से लेके अप हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर से अगर मान लो आपको यहाँ पर एक्सेल लगा दिया आपने, और फिर से मैं बोल रहा हूँ एक्सेल में मैंने चलो 12 फिर से कर दिया एक्सेल। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है सब कुछ, ग्रिड सिस्टम आपने रेडी कर ली है, आप कोई भी नंबर आपके मन का लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक्सेल क्या होगा, तो एक्सेल के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ एक्सेल क्या है, अब ये अप नहीं होगा, अभी क्या होगा, ये 1200 होगा, सॉरी 1200 नहीं, ये 1199 होगा, करेक्ट,
और इसके बाद एक्सेल के लिए मैं लिख रहा हूं अभी 1200 से लेके अप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो एक्सेल के बाद फिर से अगर आप डबल एक्सेल लगा रहे हो, ठीक है, सॉरी डबल एक्सेल लगा रहे हो और फिर से इसको बोल रहा हूँ 4 कर दो, तो फिर से ये जो है ना 1200 से लेके 1400 के नीचे एक नंबर क्या आता है, 1399, बराबर। तो ये ऐसा हो जाएगा और डबल एक्सेल जो है 1400 से लेके अप हो जाएगा। बस अब इसके आगे हम लोग ने ब्रेक पॉइंट्स लगाए नहीं है, तो ये कुछ ऐसा काम करेगा। तो ये पहली चीज समझनी है आपको। तो यहां पर ना ये चीज अगर आप समझ गए ना, तो ग्रिड सिस्टम कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है और ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच ग्रिड सिस्टम है, जो कि आगे जाके भी आप बूटस्ट्रैप जब सीखोगे तो यही चीज आपको करनी है, सेम टू सेम। ओके, बात समझ में आ रही है। तो पहले ये समझिए, तो कॉल 6 अगर आपने लगा दिया ना, तो ये 0 से 575 तक नहीं, 0 से ऊपर तक लगेगा। जब तक आप यहाँ पर कुछ लगा नहीं रहे हो, तब तक जब आप कुछ लगाते हो यहाँ पे SM लगाते हो, तो फिर ये 575 हो जाएगा और फिर 576 से लेके SM आगे तक बढ़ेगा। तो ये चलते रहेगा, इसका सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये चीज पहले ध्यान में रखनी है। तो इसके हिसाब से आपको काम करना है और इसके हिसाब से आपको आपकी ग्रिड सिस्टम बनानी है। तो आई होप गाइज अभी आपको समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली यहाँ पर ग्रिड सिस्टम काम कैसे करती है। इतना तो समझ गए। अभी अभी और एक रूल मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी आपको कॉलम यूज करने ना, ये सारे क्या है, ये सारे कॉलम के नाम्स है, कॉलम के नेम्स है, ठीक है ना, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीएसएस में लगा के रखे हैं हर एक ब्रेक पॉइंट के हिसाब से, तो वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भैया अगर आप यहाँ पर कॉलम डालना चाहते हो, तो उसके ऊपर जो है ना, हमेशा पहला रूल है आपका, यहाँ पर रो होना जरूरी है। ये पहली चीज हमेशा दिमाग में डाल के रखिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉलम लगाना है ना, तो उसके ऊपर एक आपका रो चाहिए। ठीक है, तो ये चलिए देखिए, आपने यहाँ पर रो डाल दिया, दो कॉलम्स डाल दिए और मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अब ये 6 6 क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर कॉलम 6 लिखा है, इसीलिए दोनों को देखिए 6 6 लिखा है, कॉलम 6। और ये जो सब कुछ लिखा है ना, ये सभी नीचे भी मैं लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों को अप्लाई होगा और सब कुछ क्लियर नजर आएगा। सेव करते हैं। तो अब देखिए मैं बोल रहा हूँ 575 तक ये ऐसा ही रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए SM12 लिखा है, मतलब 100% हो जाने चाहिए, एक के नीचे एक आएंगे, कभी आएंगे 576 से शुरू हो जाएंगे आने को। तो यहाँ पर मैं एक नंबर आगे बढ़ा देता हूँ, देखिए फुल विड्थ हो जाएगी, मतलब 12 12 अप्लाई हो जाएगा, मतलब यही 12 कॉलम विड्थ अप्लाई हो जाएगी, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए SM12 अप्लाई हो रहा है 100%। ठीक है, अभी बात समझ में आ रही है। इसको थोड़ा सा बाजू में नहीं, हम लोग नीचे रखते हैं। ओके, तो क्या है, आपको सामने सब कुछ दिखाई दे। इसके बाद अब देखिए, मान लो आपने यहाँ पर लिखा है MD, लिखाई है, मानने के क्या है, बराबर ना, आपने ऑलरेडी लिखा है कॉल MD3। तो MD का मतलब क्या होता है, MD फिर से देखिए 768 से शुरू होता है, तो मैं 767 तक देखिए आपको यही दिखेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कंटेनर डाला है, इस वजह से देखिए यहाँ पर फिक्स विड्थ आप लोग अप्लाई हो रही है, तो वो छोड़ो बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए कॉल MD3 है। अब मैं एक नंबर बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, MD3 लिखा है ना, तो दोनों को आपने यहाँ पर MD3 लिखा है, इस वजह से 3 की विड्थ अप्लाई कर रहा है, बराबर। MD3 में देखिए विड्थ कितनी है, यहाँ पर दिख रहा है 25% है, तो 25% के हिसाब से दिखाएगा। अब वो 768 से आगे तक वही दिखाएगा, जब तक आपने आगे कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी LG लिखा है 2, तो फिर ये करेगा क्या, LG क्या, LG का ब्रेक पॉइंट क्या है, 992 है, तो यहाँ पर फिर से 991 तक यही दिखेगा। और एक नंबर मैं बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉलम की विड्थ अप्लाई करेगा, यहाँ पर दिख रहा है कॉल LG2, यहाँ पर देखिए 16.66 समथिंग आ रहा है, बराबर। तो ये दूसरे कॉलम की विड्थ अप्लाई हो रही है दोनों कॉलम्स को, यहाँ पर दोनों को, लेकिन ब्रेक पॉइंट चेंज हो रहा है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जैसे आगे चलते हो, आप आगे जाते हो, 1200 में एक्सेल लिखा है फिर से 12, तो एक्सेल में फिर से ये 100% हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 1199 तक देखिए कुछ इसी तरह दिखेगा। एक नंबर जब मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखिए फिर से 100% हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्सेल 12 लग रहा है जो 1200 के आगे है। समझ में आ रही है बात।
इसके बाद आपने लिखा है डबल एक्सेल 4, तो चलिए डबल एक्सेल 4 कहाँ से शुरू होता है, 1400 से आपको पता है। फिर से मैं इसको 1399 तक सेम दिखेगा ये आपका, फिर से एक नंबर बढ़ाता हूँ। देखिए 4 की विड्थ अप्लाई होगी, मतलब कॉलम 4 वाली विड्थ यहाँ पर अप्लाई होगी, दिख रहा है 33.33%। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको ग्रिड सिस्टम के कॉलम्स जो है ना वो काम कैसे करते हैं अभी आपको आई होप समझ में आ चुका है। तो अभी ध्यान दीजिए, अभी मान लो यहां पर मैं कॉलम में, मुझे मोबाइल में छह छह बाजू बाजू में चाहिए, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूँ 575 में, ठीक है, ये बराबर है, सब कुछ बराबर है। लेकिन मैं जैसे आगे जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि जैसे मैं आगे जाता हूँ 575 के, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना, चलो फुल विड्थ दिखाई दे, अभी भी यहाँ पर भी हम लोग कुछ इसी तरह रखेंगे, ठीक है, फुल विड्थ तो मैंने रख दिया, ठीक है, SM12 लिख दिया मैंने, चलो हमारा काम हो चुका है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि आगे जो भी है ना मुझे चेंज नहीं करना, मतलब ऐसे ही रखना है, तो यहाँ से लेके आगे तक डेस्कटॉप तक मुझे ऐसे ही रखना है। तो कई लोग ऐसे होते, देखिए कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल SM12 लिखते हैं तो यहाँ पर कॉल MD12 लिखते हैं, फिर से यहाँ पर फिर से कॉल LG12 लिखते हैं। अभी मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ग्रिड सिस्टम मतलब आपकी मीडिया क्वेरी कैसे काम करती है ये पता होनी चाहिए। ये वो लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनकी मीडिया क्वेरी जो है वो काम करती कैसे, ठीक है। तो हमारी मीडिया क्वेरी जो है ना वो हमेशा जीरो से लेके ऊपर तक काम करती है, हम लोग ने मिनिमम विड्थ मीडिया क्वेरी यूज किया हुआ है यहाँ पर। इसी वजह से अगर आपको ये वाला जो कॉलम है इसके आगे सब कुछ 12 ही रखना है तो आगे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये दोनों निकाल लेता हूँ और सेव करता हूँ। अब ये SM से 12 ही लगेगा, देखिए फिर से बता रहा हूँ, 576 से यहाँ पर ये अप हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी बात समझ में आ रही है, तो अभी मैं सेव करता हूँ यहाँ पर, देखिए आगे तक आपका 100% ही रहेगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब इतना तो समझ गए कि कॉलम कैसे काम करते हैं, क्लियर हो चुका है ये टॉपिक। अब ये हमारे कंटेनर देख लेते हैं। ओके, तो कंटेनर देखिए, आपका जो ये कंटेनर है ये सिंपली विड्थ अप्लाई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ 576 पे, और मैं अगर कंटेनर पे यहाँ पर क्लिक करके बताता हूँ, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना 544 अप्लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब ये फिक्स विड्थ अप्लाई कर रहा है यहाँ पर। तो कंटेनर हमेशा फिक्स विड्थ रखा है हम लोगों ने हर एक ब्रेक पॉइंट्स में। जैसे SM के अगर आगे जाएगा तो ये 544 की विड्थ अप्लाई करेगा, अगर आप 768 के आगे जाओगे तो यहाँ पर देखिए और कुछ अप्लाई करेगा। अभी अप्लाई हुआ नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्या, मैं रिफ्रेश करता हूँ और एक सेकेंड ना इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पर गया ये। इस पे क्लिक किया मैंने, हाँ ये शायद मेरी कुछ गलती हो गई, क्लिक नहीं किया मैंने। तो ये देखिए 768 के आगे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ये विड्थ अप्लाई कर देता है 736। इसके अगर आप आगे जाते हो, देखिए 992 क्रॉस करते हो तो यहाँ पर भी देखिए, मुझे लगता है मैं ये कुछ ऐसा कर रहा हूँ ना, क्लिक इस वजह से नहीं हो रहा। अभी मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा ना तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए एक काम करता हूँ, मैं फिर से नीचे जाके दिखाता हूँ। देखिए हाँ, वो हम लोगों ने क्या किया था, मैंने क्या किया था कि इसको ऐसे क्लिक रखा था तो मे बी वो सिलेक्टेड था, इसके लिए वो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फिर से बताता हूँ, 736 है ना, तो यहाँ पर मैं 992 के आगे जाता हूँ, यहाँ पर इसके 992 जैसे क्रॉस करता हूँ यहाँ पर देखिए चेंज हो जाती है, 960 हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद फिर से 1200 क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1168। तो ये क्या है, फिक्स विड्थ अप्लाई करता है आपका कंटेंट सेंटर में रखने के लिए, तो इसीलिए ये बनाया गया है। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए आपकी वेबसाइट पे सेंटर पे रखना है आपका कंटेंट, तो सिंपली आपको याद रखना है, आपको यूज करना है कंटेनर वाला क्लास। ओके, अगर आपको फ्लूड रखना है मतलब फुल विड्थ रखना है तो सिंपली यहाँ पर हाइफन फ्लूड दे देना है, बस ये आपका सिंपली 100% रखेगा, मतलब 100% ही रखेगा हमेशा आपका जो कंटेनर है वो। इतना समझ में आ गया। अब इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स क्या होते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए फिर से मैं इसको 576 पे लेके चलता हूँ, सॉरी 575 में जो है मोबाइल। ओके, 0 से 575 मोबाइल का ब्रेक पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पर जो कंटेनर है ना ये फुल विड्थ हो जाएगा, ठीक है, तो या ये भी आपको ऑलरेडी पता है 576 के नीचे 100% होता है और 575 के आगे
वो शुरू हो जाता है, मतलब फिक्स विड्थ अप्लाई करने का शुरू होता हो जाता है अभी जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर जो है ना, मैं और यहाँ पर क्लासेस भी है, देखिए अगर मैं SM लगाता हूँ, ठीक है ना, मैंने सेव किया कंटेनर -SM लगा दिया इस बार मैंने। अब ये करेगा क्या, देखिए 575 में 100% है, सब कुछ बराबर है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करके फिर से आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर सही से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उसको कंटेनर का क्लास नहीं मिल रहा, इस वजह से 100% हो जाएगा। अब जैसे मैं आगे जाता हूँ, ठीक है, अब जैसे आगे जा रहा हूं ना, तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है। देखिए SM लगाया मैंने और कंटेनर में 544 विड्थ अप्लाई हो रही है। हम लोगों ने कंटेनर को भी लगाया था, SM को भी लगाया था, क्या 544 वाली विड्थ। तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए मैं फिर से आपको और एक ब्रेक पॉइंट आगे लेके चलता हूँ। तो ये फिर से वो अप्लाई करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। इसका मीनिंग ना वही है, अगर आपने यहाँ पर कंटेनर लगा दिया तो भी वो सेम ही काम करेगा, मतलब इसके पहले 100% ही रखेगा, और अगर आपने SM भी लगा दिया तो भी ये इसके पहले 100% ही रखेगा, ओके। लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो अभी आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपने यहाँ पर MD डाल दिया, ओके, क्योंकि देखिए मोबाइल में वो ऑलरेडी 100% ही था, तो SM लगाने का कोई मतलब नहीं है, सिंपली आप कंटेनर भी लिखोगे तो भी SM मोबाइल के अंदर वो 100% ही रखेगा, ओके, और SM लिखोगे तो भी। लेकिन अगर आप MD लिखते हो, तो मैं सेव करता हूँ, अब देखिए अब आपका SM जो है ना वो 100% हो जाएगा। अभी SM क्या है, 576 से लेके आगे तक है, बराबर, मान लो ऐसा पकड़ लो 576 से लेके 767 तक है। तो यहाँ पर देखिए 576 में भी यहाँ पर उसको SM वाला क्लास नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे भी 100% अप्लाई करेगा। अभी बात समझ में आ रही है, कंटेनर SM और MD क्यों यूज करना चाहिए। अगर मान लो आप ऐसी कुछ जरूरत पड़ रही है आपको, आपने ऐसा कुछ डिसाइड किया है कि 0 से लेके 767 तक मुझे कंटेनर जो मेरा है वो 100% रखना है, लेकिन उसके आगे से मतलब 768 से उसको विड्थ अप्लाई करनी है, तो इस सिचुएशन में आपको MD डालना है, मतलब 760, मैं क्या बोल रहा हूँ, 768 से आगे मुझे विड्थ अप्लाई करनी है, इसीलिए मैं MD लगा रहा हूँ। MD क्या करता है, 768 से फिक्स विड्थ अप्लाई करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, देखिए जैसे 768 क्रॉस होगा ना, देखिए विड्थ अप्लाई कर देगा, दिख रहा है यहाँ पर, अभी बात समझ में आ रही है। देखिए मैं 768 लगा रहा हूँ, देखिए अभी भी विड्थ दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे मैं एक नंबर नीचे जा रहा हूँ तो देखिए विड्थ अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये विड्थ जो है डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है बाय डिफॉल्ट, इस वजह से आपको 100% दिखाई देता है, क्लियर। सेम चीज अगर आप चाहते हो MD के बाद, मैं LG लगा रहा हूं, मैं बोलता हूँ MD तक 100% रखे और LG से विड्थ अप्लाई करे, इसीलिए मैंने LG लगा दिया यहां पर, देखिए ओके। अब क्या करेगा ये, LG का मतलब है 1200 के आगे विड्थ अप्लाई करेगा, लेकिन 1200 के पहले जो है ना, सॉरी 1200 नहीं, 1200 कह रहा हूँ, सॉरी, LG जो है ये 992 है, 992 के पहले जो है यहाँ पर 100% रहेगा, ठीक है, 992 से विड्थ अप्लाई करेगा, देखिए 960, बराबर, एक नंबर पीछे जा रहा हूँ, देखिए अभी भी 100% है, मतलब ही 0 से लेके 991 तक ये 100% का काम करेगा कंटेनर हमारा। और जैसे 992 आता है तो यहाँ पर अप्लाई कर देता है फिक्स विड्थ, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बस इतना सिंपल सा है और कुछ नहीं है। तो अगर मान लो मुझे चलो और अभी मैं एक्सेल लगा के दिखाता हूँ, तो देखिए एक्सेल लगा दिया मैंने, तो सिंपली एक्सेल से विड्थ अप्लाई करना शुरू करेगा, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। देखिए जो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट का क्लास आप लगा रहे हो ना, एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये जो है ना ये 1200 से विड्थ अप्लाई करेगा, बस इसका इतना सिंपल सा मतलब है। उसके पहले जो है कंटेनर आपका 100% ही रहेगा, देखिए फिर से बता रहा हूँ, एक्सेल लगा दिया तो 1199 तक दिखाता हूँ, देखिए 100% ये फिट हो रहा है ना। अब इसके जैसे आगे जाओगे एक नंबर, तो देखिए फिर से यहाँ पर विड्थ अप्लाई करेगा, मतलब फिक्स विड्थ अप्लाई करेगा, अभी बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इस तरह है कंटेनर, इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिव कंटेनर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है ये, ठीक है। लेकिन बस मुझे आपको बताना है, क्योंकि हम लोग ये ग्रिड सिस्टम यहाँ पर सीख रहे हैं कि हम लोग कैसे क्या क्या चीजें बना रहे हैं इसमें, ओके, अभी बात समझ में आ रही है। तो देखिए हमने यहाँ पर सही तरीके से कॉलम्स देखे कैसे डालने हैं हमें, ओके, और कॉलम्स अगर आप डाल रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पर आपको रो यूज करना है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर जो कंटेनर्स मैंने बताए अभी वो इसी तरह यूज करने हैं अगर आपको करने हैं, ठीक है, नहीं तो सिंपली कंटेनर डालना है या फिर कंटेनर फ्लूड लगाना है। अब नेस्टेड कॉलम्स भी आप लगा सकते हो। देखिए नेस्टेड कॉलम्स का मतलब है एक कॉलम के अंदर दूसरे कॉलम, दूसरे कॉलम के अंदर तीसरा कॉलम, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर आपने कुछ लॉरम लगा दिया है 50, ओके, और यहाँ पर भी मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ 35, सेव करते हैं, तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है हमें, ठीक है। ये बॉर्डर हम लोग बाद में निकाल देंगे, ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए रखा है मैंने। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर नेस्टेड कॉलम्स भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने कि एक कॉलम के अंदर एक आइकन होता है, लेफ्ट में इमेज जैसा छोटा सा आइकन होता है, राइट में कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो मान लो देखिए किशोरी ट्यूटोरियल्स और पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर मान लो चलो मुझे करना क्या है, देखिए किशोरी ट्यूटोरियल्स और एक पैराग्राफ है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ना एक कुछ इमेज या ऐसा कुछ डालना है, तो क्या मैं डाल सकता हूँ? जी जरूर डाल सकते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको पहले कैसे करना है। देखिए पहले समझ लो करना क्या है, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ जो है ना, मैं बोल रहा हूँ पैराग्राफ, और एक मुझे पैराग्राफ के पहले आइकन चाहिए। तो आइकन के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर सिंपली इमेज ही ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास इमेजेस है और छोटा सा कुछ ले लेंगे, लोगो ही ले लेते हैं हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद देखिए ये लोगो कुछ इस तरह दिखेगा। मैं बोल रहा हूँ लोगो लेफ्ट में चाहिए और पैराग्राफ जो है मुझे राइट में चाहिए, ओके। और इसके लिए मैं 2 मिनट के लिए ना क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है ना इसको फिट कर देता हूँ, या फिर इसकी थोड़ी विड्थ कम कर देते, 50 कर देते, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों बाजू बाजू में चाहिए, कौन, इमेज और पैराग्राफ। तो यहाँ पर ना नेस्टेड कॉलम लगा सकते हो, देखिए इसीलिए तो हम लोग ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, करेक्ट। तो क्या करें, तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, और अब देखिए कॉलम है ना यहाँ पे, मैंने क्या बोला था, आप अगर कॉलम लगाना चाहते हो तो उसके ऊपर एक रो होना चाहिए, बराबर है। तो वही चीज हो रही है, मैं यहाँ पर कॉलम लगाना चाहता हूँ दोनों को, यहाँ पर लेफ्ट इसका कुछ भी एक नंबर दे दूंगा मैं, कॉलम कॉलम हाइफिन एसएम हाइफिन 3 या फिर इसको 9, चलिए दे देते पहले। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कॉल हाइफिन, और मैं देखिए ये दोनों चीजें जो है ना मोबाइल से मुझे अप्लाई करनी है, मतलब ये मोबाइल से मुझे साइड में दिखनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 6-6 आ रहा है, इसको पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ कि कॉल 6 दो अभी मुझे नहीं चाहिए, दोनों का मैं निकाल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक के नीचे एक चला आएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ मुझे मोबाइल से इमेज लेफ्ट में चाहिए, पैराग्राफ राइट में चाहिए, ये मोबाइल से चाहिए मुझे, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कॉल एसएम यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, कॉल हाइफन चलो 4 लगा देते हैं इमेज के लिए, ओनली फॉर इमेज। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पर सिर्फ इमेज डालनी है, ठीक है। तो मैंने पैराग्राफ निकाल दिया, और यहाँ पर मैं और एक कॉलम लगा रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ इसको 8 नंबर दे दूँ, क्योंकि 8 और 4 12 हो जाते हैं, तो मैंने बराबर डिवाइड कर लिया। अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ लगा देता हूँ, बात समझ में आ रही है ना। तो वही चीज फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर आपको कॉलम्स डालने हैं तो आपको रो डालना जरूरी है उसके ऊपर, देखिए। तो इसके ऊपर है ना आपको एक रो डालना यहाँ पर जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कट करूंगा मैं, और यहाँ पर जो है ना मैं रो डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन ये डालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर रो नहीं डाला तो क्या हो रहा है, मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका काम तो सही कर रहा है, लेकिन ये स्पेसिंग दिख रही है ना आपको राइट और लेफ्ट में, ये देखिए स्पेसिंग आ जाती है आपकी, पैडिंग एक्स्ट्रा आ जाती है। किसकी पैडिंग एक्स्ट्रा आ जाती है, यहाँ पर देखिए मैं कॉलम बताता हूँ, इसको अगर मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर देखिए ये कॉलम एसएम 12 का हमारा जो नॉर्मल कॉलम है, इसके बाद ये H1 आ रहा है ऊपर देखिए, और यहाँ पर सॉरी मैं क्या दूसरे कॉलम का बता रहा हूँ, आई एम सॉरी, ये वाला है ऊपर वाला है, ठीक है, सॉरी। तो ऊपर वाला देखिए कॉल एसएम 12 है, और इसमें देखिए हमारा H1 है, और ये 4 नंबर है, ये 8 नंबर है। तो देखिए दिख रहा है आपको पैडिंग एक्स्ट्रा आ रही है 4 की और 8 की, ये ग्रीन ग्रीन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो 12 दिख रहा है ना, इसकी भी पैडिंग बीच में अप्लाई हो रही है, मतलब उसके वजह से यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई दे रही है। अभी बात समझ में आ रही है, जो मैंने कहा था आपको रो क्यों डालना जरूरी है, और रो को हम लोग माइनस मार्जिन क्यों देते हैं, इसी वजह से देते हैं।
तो यहां पर देखिए इसी वजह से हमें क्या करना है, नेस्टेड लगाना है, करेक्ट। तो नेस्टेड के लिए हमेशा आपको यहां पर रो लगाना पड़ेगा, और रो ही वो इंसान है जो आपकी माइनस मार्जिन के वजह से आपका आपके दोनों कॉलम्स ठीक करेगा। अब देखिए मैं इसमें डाल देता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आई होप लगता है मुझे आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए इस रो में, इसमें रो डाल दिया मैंने। अब रो क्या कर रहा है, उन दोनों कॉलम्स को हैंडल कर रहा है, -1 REM -1 REM राइट लेफ्ट से। और उसके अंदर देखिए यहाँ पर आपके कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर रो डाला जाता है, और इसके अंदर जितने कॉलम्स आपको डालने ना आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कॉलम 8 के अंदर और एक आपको कॉलम लगाना है, लगाओ, जितने लगाना है लगाओ। लेकिन एक सिर्फ रूल याद रखना है आपको, यहाँ पर रो होना बहुत जरूरी है। जहां पर भी आप कॉलम के अंदर अगर आप कॉलम लगा रहे हो, या फिर कहीं भी आप कॉलम लगा रहे हो, तो कॉलम के ऊपर आपको एक रो डाल देना है ताकि वो प्रॉपर फिट हो जाए। इतनी बात सिंपल सी समझ लो, ओके। तो ये होता है ग्रिड सिस्टम, और इस तरह काम होता है, ओके गाइस। तो यही चीज मुझे आपको यहाँ पर इस वीडियो में बतानी थी कि एग्जैक्टली हमारा जो ग्रिड सिस्टम है ना, इसके कॉलम्स हम डालते हैं ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करते हैं वो हमें पता होने चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर अभी हम लोग ने कॉल 4 और 8 डाला है, तो अब ये करेंगे क्या, ये मोबाइल से लेके आगे तक यही इसी तरह दिखाई देगा हमें। देखिए मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो देखिए लेफ्ट और राइट में ही दिखाई देंगे। अब आपको एडजस्ट करने हैं ना कॉलम्स, तो आप कर सकते हो। अगर मान लो मुझे यहाँ पर 576 से आगे अगर मैं चलता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे कॉलम जो है इतनी ज्यादा स्पेस दिख रही है, तो इसका इसका जो इसकी जो विड्थ है आप हैंडल कर सकते हो। तो कैसे हैंडल करोगे, तो 576 ब्रेक पॉइंट मुझे पता है SM यहाँ पर काम करता है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा कॉल -SM मैं इसकी विड्थ कम कर दूंगा। पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है ना, तो मैं इसके चलो मान लो 2 कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, तो देखिए विड्थ कम हो जाती है, और ये कहाँ से कम होगी, 576 से कम होगी। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, चलो अगर उसकी 2 की है तो इसकी 2 बढ़ानी भी तो पड़ेगी, बराबर है। तो यहाँ पर मैं -FN मतलब -SM -N कर दूंगा यहाँ पर, तो इसकी बढ़ जाएगी। अभी देखिए दोनों एडजस्ट हो गए। अब मैं फिर से ये सेम चीज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो लिखना ही पड़ेगा, बराबर है। तो SM- मैंने क्या किया, 2 कर दिया इसको, और इसको जो है SM-10, ठीक है, सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह आपको आपका आउटपुट दिखेगा। देखिए मैं 576 करता हूँ ना, तो ये आपका काम करेगा, मतलब जो भी आपने SM के क्लासेस यहाँ पर लगा दिए है वो सेम यहाँ पर काम दिखाई देगा, ओके गाइस। तो ये देखिए आगे तक वो वैसे ही दिखेगा। अभी आगे आपको जैसे एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ है, आप पूरी ग्रिड सिस्टम है, ठीक है, कॉलम एडजस्ट कर सकते हो, ओके गाइस। तो मेन चीज मुझे सिर्फ यही आपको यहाँ पर दिखानी थी कि कॉलम्स, रो, कंटेनर, ये तीनों मिलके है ना काम कैसे करते हैं, और ये नेस्टेड वाला एक थोड़ा सा एडिशन मुझे आपको बताना था। हालांकि बाकी सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, तो फिर से रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर आपने देखा नहीं है वो, तो वो सारे वीडियो जाके आप देख लीजिए, कंसेप्ट देख लीजिए, वहां पर आपको इजिली समझ में आ जाएगा ये सारी चीजों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आई होप गाइज अभी देखिए प्रॉपर सही तरीके से आपको मुझे लगता है ग्रिड सिस्टम यहाँ पर समझ में आ चुकी है, और हमारे ग्रिड सिस्टम जो है वो काम भी सही तरीके से कर रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। तो ये जो बॉर्डर्स है ना, ये बॉर्डर्स थोड़ा सा हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि अभी बॉर्डर्स की मुझे जरूरत नहीं है, वो सिर्फ टेस्टिंग और डेमो पर्पज के लिए ही मैंने रखे थे। तो वो बॉर्डर्स हम लोगों ने, ये देखिए कॉमन CSS में शायद मुझे लगता है यहाँ पर देखिए अप्लाई किए थे, तो मैं ये निकाल लेता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए सारी जो चीजें हैं कुछ इस तरह आपको दिखाई देगी। तो एक काम करते हैं, मुझे लगता है ये भी वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ना ये प्रॉपर प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे हमारे ग्रिड सिस्टम को लेकर। तो यहाँ पर जब आप बनाएंगे ना, तो और इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके गाइस। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।